सुपर सॉफ्ट जालीदार फ्लफी रुई जैसे ही नरम बैंगलोर की फेमस रवा इडली का पूरा कॉम्बो बनाएंगे, वो भी मिनटों में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगलोर की सबसे फेमस MTR होटल्स स्टाइल फ्लफी रवा इडली। साथ में बनाने वाली हूँ उस क्लासिक रवा इडली के साथ जो आलू सागू यानी पोटैटो सागू और नारियल की स्पेशल चटनी सर्व की जाती है, जिसके लिए दूर दूर से लोग खाने आते हैं, बिल्कुल वही हम घर में तैयार करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद परल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बैंगलोर वाली फेमस सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ रवा इडली बनाने के लिए सबसे पहले तो भाई गैस पर रखेंगे कढ़ाई और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच घी। अब यहाँ जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ ना, ये सबसे ज्यादा काम आएगी एकदम सुपर सॉफ्ट जालीदार रुई जैसी नरम इडली बनाने में, कि ठंडी भी हो जाए तो बिल्कुल भी खिची खिची सूखी नहीं लगेगी, आपको रबरी नहीं होगी, चुई नहीं होगी। और घी के मेल्ट होते ही इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों, साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। अच्छे से करेंगे मिक्स और तड़का लेंगे। यहीं पर इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच उड़द दाल, यूं ही डालनी है, पोंछ कर डालिएगा, भिगो कर नहीं। और 1 छोटी चम्मच डालेंगे चना दाल, और चना दाल को भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। यानी मवाली टिफिन रूम्स MTR का पूरा नाम होता है, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट्स और चेन्स हैं साउथ में। वहां की रवा इडली सबसे ज्यादा फेमस होती है और जिस चीज के साथ उसको सर्व किया जाता है वो इसको एकदम अल्टीमेट बनाती है। जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है पोटैटो सागू और नारियल की स्पेशल चटनी के साथ। पूरा वही कॉम्बो आपके लिए लेकर आई हूँ, सारी टिप्स शेयर कर रही हूँ, जरूर बनाइएगा, मेरी गारंटी है ये सबको ऐसा भाएगा कि सबका दिल जीत लेगा। यहीं पर इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही यहाँ डालेंगे 1 छोटी चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक। सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ जैसे बैंगलोर की फेमस रवा इडली में होती है। साथ ही जाएगा बारीक कटा हुआ करी पत्ता, करी पत्ता की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखेंगे, इस इडली में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ रवा इडली की जान काजू। तो ये काजू मैंने लगभग 7-8 लिए, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। काजू को भी हल्का सा हमें रोस्ट करना है, फ्लेम अब यहाँ लो कर देंगे जिससे कोई भी चीज जले नहीं। और 1 पिंच डालेंगे हींग। सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पर हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी, मेजरमेंट के लिए कोई एक बड़ी कटोरी ले लीजिए या इस तरह से 1 कप। और ये जो सूजी है सिंपल जो बॉम्बे रवा होता है ना, नॉर्मल रवा, ये मैंने वो लिया है। और सूजी को यहीं पर डाल करके बढ़िया से लो फ्लेम पर इसको हमें भूनना है। यही वो ट्रिक है जो रवा इडली को बनाती है एकदम सॉफ्ट और जालीदार, मतलब मेल्ट इन माउथ, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। बस 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर हमें भूनना है। और ये देखिए सूजी बिल्कुल बढ़िया से एकदम घी के साथ कोट हो गई है। या जरूरी पॉइंट, कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए ये सूजी का। इसी तरह लो फ्लेम पर हमें हल्का सा भूनना है कि बस अच्छी खुशबू आ जाए। तो गैस को बंद कर देंगे और पूरे मिक्स को एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। मिक्स को होने देंगे हल्का सा ठंडा। और अब इस मिक्स को आप 2-3 महीने के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब दिल चाहे तुरंत से अपनी फेमस वो MTR वाली रवा इडली तैयार कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा ज्यादा सा डालिएगा तो अच्छे से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब इसमें डालेंगे दही, तो ये मैंने घर का जमा हुआ फ्रेश दही लिया है। 1 कप रवा के लिए 1 कप दही लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट रहता है ये रेशो एकदम मॉइस्ट इडली बनाने के लिए। तो दही को इसमें डाल देंगे, धीरे धीरे करके मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट। चलिए सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गई है, बैटर को रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो चलिए जब तक कर रहा है बैटर रेस्ट, फटाफट बनाते हैं MTR होटल स्टाइल जबरदस्त टेस्टी नारियल पुदीना स्पेशल चटनी। तो यहाँ हम सबसे पहले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में डालेंगे लगभग 3/4 कप के करीब फ्रेश नारियल। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, बस मुट्ठी भर। साथ में डालेंगे ज्यादा मात्रा में पुदीना, फ्रेश फ्रेश पुदीना इस चटनी की जान है। साथ में डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था, और इस चटनी की सबसे जरूरी चीज फुटाना दाना यानी फूली हुई चना दाल। तो लगभग 3 बड़ा चम्मच के करीब डाल देंगे रोस्टेड फुटाना दाना, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार, और खटास के लिए मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच इमली का पेस्ट, थोड़ा सा गया पानी लगभग 2 से 3 चम्मच, और बढ़िया से इसको पीस लेंगे।
और ये देखिए चटनी का टेक्सचर। फटाफट लगाते हैं इस पर तड़का। तड़के के लिए गैस पर चढ़ाएंगे एक तड़का पैन, उसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी, और घी के गर्म होते ही इसमें जाएगी एक छोटी चम्मच सरसों, एक छोटी चम्मच उड़द दाल, साथ ही में जाएगी थोड़ी सी फ्रेश करी पत्ता यानी मीठा नीम। लीजिए तड़का भी तैयार है, फटाफट से इस तड़के को लगाएंगे चटनी पर। लीजिए हमारी जबरदस्त टेस्टी MTR होटल स्टाइल नारियल चटनी है बिल्कुल तैयार। चलिए तो फटाफट बनाते हैं इस बैंगलोर वाली फेमस रवा इडली का हीरो एलिमेंट यानी कि पोटैटो सागू, जिसे आलू सागू भी बोलते हैं। अल्टीमेट पोटैटो सागू बनाने के लिए गैस पर आप चढ़ाइए कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे दो छोटे चम्मच तेल, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तेल के गर्म होते इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच सरसों, और सरसों के तड़कते इसमें जाएगी एक छोटी चम्मच चना दाल, इसी तरह डालेंगे एक छोटी चम्मच उड़द दाल, दो पिंच हींग, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है ये जो आलू सागू यानी पोटैटो सागू मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही यहाँ पर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च लगभग एक से दो, एक छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, अच्छे से करेंगे मिक्स। मतलब आज की जो रेसिपी है, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ तो मुझे आपके साथ शेयर करने में भी बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट जाएगा फ्रेश करी पत्ता, सिर्फ 20 से 30 सेकंड आप पका लें इसको लो मीडियम फ्लेम पर। अच्छी सी खुशबू आ रही है तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़े साइज की प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था, इसी तरह से काटनी है आपको। और प्याज को भी हल्का गुलाबी होने तक हम भून लेंगे, बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, यही खास बात होती है आलू सागू की। MTR जो होटल्स हैं उसका फुल फॉर्म होती है मावली टिफिन रूम्स, जो कि बहुत ही फेमस है बैंगलोर में। एक बड़ा चम्मच ताजा ग्रेटेड नारियल। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, तो एक चौथाई छोटी चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना है लाल मिर्च को। साथ में डाल देंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, अच्छे से करेंगे सभी चीजों को मिक्स। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच बेसन, बेसन को भी यहीं डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स के साथ भून लेंगे। तो यहाँ मैंने उबला हुआ आलू लिया है, चार उबले हुए आलू लेंगे, और ये आलू जो है पहले एक डाल देंगे इसी तरह से मसाले के साथ, जो इसको बाइंडिंग देगा, बढ़िया सा टेस्ट आएगा हमारे पोटैटो सागू में। और अच्छे से मसाले के साथ इसको भी भून लेंगे, और अब इसमें डालेंगे 2.5 से 3 कप पानी, अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब बचे हुए तीनों उबले आलू भी इसी तरह हाथ से क्रश करके डाल देंगे। ये जो आलू का टेक्सचर इसमें होता है ना, यही आलू सागू की पहचान है। साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें डाली जाती है थोड़ी सी चीनी, साथ में जाता है थोड़ा सा नींबू का रस, और 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसे उबाल लेंगे। बस इससे ज्यादा गाढ़ा इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ये अभी और थिक हो जाएगा। तो गैस को करेंगे बंद, और ये लीजिए हमारा बेहतरीन होटल स्टाइल पोटैटो सागू है बन करके बिल्कुल तैयार। इसे रखते हैं अलग, फटाफट चेक करते हैं अपने रवा इडली के बैटर को। फटाफट बनाते हैं MTR फेमस, बैंगलोर फेमस, सुपर सॉफ्ट फ्लफी जालीदार रुई जैसी नरम रवा इडली। तो रवा इडली बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ इडली मोल्ड, किसी भी तरीके का जैसे आपके घर में इडली मोल्ड हो वो आप ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल करके इस तरह से पूरे इडली मोल्ड को हम ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि इडली आसानी से निकल आए। होटल्स में क्या किया जाता है, इस तरीके का जो चीज क्लॉथ होता है ना कॉटन वाला, उसको लिया जाता है गीला करके स्टैंड के ऊपर इस तरह से लगा देते हैं इडली स्टैंड के ऊपर। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि इडली आसानी से निकल आए, चिपके नहीं और ज्यादा देर तक सॉफ्ट रहे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है, आप बगैर कपड़े के भी बनाएंगे तो भी आपकी इडली एकदम सॉफ्ट फ्लफी और मॉइस्ट रहेंगी ठंडी हो जाने के बाद भी। चलिए तो स्टैंड को रखते हैं अलग, बैटर को करते हैं चेक। परफेक्टली आप देख सकते हैं सूजी एकदम फूल गई है, अभी बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, और इसे एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी का, मतलब थिक बैटर जैसे इडली के लिए बनाते हैं ना वैसी कंसिस्टेंसी का इसको कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह की गाढ़ी कंसिस्टेंसी हमें रखनी होगी। जब मैं इस तरह गिरा रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम से फ्री फ्लोइंग हो, ऐसा परफेक्ट। और अपनी रवा इडली को एकदम सुपर सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच खाना सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो बस इस तरह सोडा डाल करके कुछ बूंद हम डालेंगे पानी की इसके ऊपर, इसे एक्टिवेट कर देंगे और बढ़िया से फेंट लेंगे बैटर को। तो बस अब हम लेंगे हमारा ग्रीस्ड इडली मोल्ड, और इसमें मैं इस तरह से लगा देती हूँ एक एक रोस्टेड काजू। तो जब इडली निकालेंगे ना तो उसकी लुकिंग बहुत ही सुंदर आएगी। पहले से मैंने हल्का सा घी में इनको फ्राई करके रख लिया तब, और बस थोड़ा थोड़ा बैटर इडली मोल्ड में डाल देंगे, ऊपर तक बिल्कुल नहीं भरेंगे क्योंकि अभी इडली फूलेंगी भी ना, है ना एकदम आसान इन्हें बनाना।
लीजिए, हमारा इडली मोल्ड है बिल्कुल रेडी इडली बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इडली कढ़ाई में पहले ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो 5 मिनट बढ़िया से पानी को उबाल लिया है। देखिए एकदम बढ़िया गर्म पानी के ऊपर हम अपने इडली मोल्ड को रख देंगे और इस पर लगा देंगे लेट लगभग 14 से 15 मिनट के लिए। फ्लेम को कर देंगे मीडियम हाई और इडली को बिल्कुल बढ़िया से स्टीम ले लेंगे। और लगभग 15 मिनट के करीब हो गए हैं, तो चलिए अपनी इडली को चेक कर लेते हैं। धीरे से लिट को हटाएंगे। सुपर, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कमाल की हमारी इडली तैयार हुई है। एक एक इडली बढ़िया से फूल गई है, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। और एक नाइफ से या इस तरह से एक किसी टूथपिक से इस तरह एक इडली पर आप लगा कर देखिए, ये देखिए परफेक्ट, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है, एकदम परफेक्ट हमारी इडली स्टीम हुई है। तो चलिए मोल्ड को निकाल लेते हैं और अपनी रवा इडली को हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। गर्म में करेंगे तो इडली सारी टूट जाएंगी, हल्का सा ठंडा होने दें। तो चलिए हमारी रवा इडली हो गई है हल्की सी ठंडी और बस अब इसको करते हैं डीमोल्ड। तो उसके लिए क्विक ट्रिक, ऐसे आप चाकू से मत निकालिए, सिंपल एक स्पून लीजिए, उसकी बैक साइड से इस तरह से देखिए घुमाते हुए धीरे धीरे इडली को डीमोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए मैं एक इडली आपको उठाकर दिखा रही हूँ, आप इसका टेक्सचर देखिए, जब मैं इसको इस तरह प्रेस कर रही हूँ तो ये इतनी नरम है, ये देखिए अंदर से एकदम जाली और सुपर सॉफ्ट, बहुत ही फेमस है यहाँ पर। और क्लासिक कॉम्बिनेशन के साथ इसको सर्व करेंगे अपने सुपर टेस्टी पोटैटो सागू के साथ। साथ ही यहाँ पर इसको सर्व किया जाता है बैंगलोर में देसी घी के साथ, इस तरह से पिघलाकर छोटी सी कटोरी में जरूर दिया जाता है। और साथ में मैं सर्व कर रही हूँ अपनी पुदीना नारियल वाली स्पेशल चटनी, ये है इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी बैंगलोर वाली फेमस रवा इडली पूरे कॉम्बो के साथ, जरूर जरूर बनाइए। और देखिए इस तरह से खाया जाता है, एक प्लेट पर इडली रखेंगे, इसके ऊपर घी डालेंगे और थोड़ी सी नारियल की चटनी, और इस पर डालिए आलू वाला सागू और इस तरह खाइए, मजा आ जाएगा आपको ये इडली खाकर। तो फ्रेंड्स बस आज मैंने आपके साथ ये जबरदस्त वाला कॉम्बो शेयर किया है मवली टिफिन रूम्स का, यानी MTR का, जो कि बहुत फेमस है पूरे साउथ में। इसके होटल्स जहां पर ये रवा इडली इन्वेंट हुई थी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, तो बस वही स्वाद आप अपने घर में लीजिए इस तरह बना करके। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरी मेहनत पसंद आई हो फ्रेंड्स। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।